बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा है? अगर ये आपको कोई बता दे कि बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर ये है, तो क्या आप बेस्ट स्क्रीन को रिकॉर्ड कर पाओगे? तो नहीं, आप नहीं कर सकते बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, क्योंकि आपको कुछ दिन उसको सीखने में लगेगा, कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ वीडियो खराब होंगे आपके। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि हम आपको सभी परेशानियां बता देंगे, क्योंकि मैं काफी दिन से स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज कर रहा हूँ, काफी स्क्रीन रिकॉर्डर यूज किया जिसमें क्या क्या परेशानियां आई, अगर आज हम आपको बता दें तो आप अच्छी तरीके से स्क्रीन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर एक आपको टिप्स दे जो कि सबसे अच्छी टिप्स होने वाली है इस वीडियो की, तो वो है कि जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो, तो उसके पहले अगर आपने मोबाइल के सेटिंग में जाकर अपने टेक्स्ट का साइज थोड़ा बढ़ा लीजिए, तो टेक्स्ट का साइज बढ़ाने से क्या होगा कि आपका जो अगर थोड़ा कम क्वालिटी पर भी यूट्यूब पर वो वीडियो देखा जाएगा तो वो साफ साफ दिखेगा, तो इससे कि आपका जो इंगेजमेंट है वो बढ़ेगा, मतलब ज्यादा लोग आपका वीडियो देखेंगे, मतलब छोड़ कर नहीं जाएंगे, ये हो जाएगा अगर टेक्स्ट बड़ा रहेगा तो। तो ये था, ऐसे ही टिप्स मैंने दे दिया, और बाकी जो टिप्स हैं वो हम अपने ऐप में बताएंगे जो कि मैं ऐप यूज करता हूँ स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो सारी चीजें अब वहां देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और मिलते हैं मोबाइल के स्क्रीन। तो हे गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर AZ स्क्रीन रिकॉर्डर जो कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए यूज करता हूँ, ये काफी अच्छा एक ऐप है। अगर आप भी यूज करना चाहो तो इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो इंटरफेस खुलने के बाद आप यहाँ पर देखिए एक शॉर्टकट के 4 बटन आ जाएंगे। तो ये जो शॉर्टकट है इसको अभी बाद में बात करते हैं इसके बारे में। और सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पर आपको 3 बटन मिल जाता है। जब इस पर टैप करोगे तो आपको सिंपल सा कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि वाईफाई से ट्रांसफ़र करने का, आपको रेटिंग देने का ऑप्शन मिलेगा, फीडबैक भेजने का ऑप्शन मिलेगा, ऐप को शेयर करने का ऑप्शन मिलेगा, आप किसी भी तरीके से शेयर कर सकते हैं, और भी यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ऐप का, मोर ऐप जा सकते हैं, मतलब इनका कोई और ऐप होगा तो उस पर जा सकते हैं। यहाँ पर फैक का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं। और अगर यहाँ पर अबाउट अस पे जाएंगे तो आप किस वर्जन को यूज कर रहे हैं AZ स्क्रीन रिकॉर्डर का, वो भी देख सकते हैं। तो ये सिंपल सा था, मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। और अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ एक डायमंड का बटन था, उस पर जब आप टाइप करोगे तो इसके जो प्रीमियम वर्जन, अगर प्रीमियम यूजर बनना चाहते हो तो बन सकते हो, 190 रुपीज़ का इनका है VIP पास। तो हमारे हिसाब से आपको इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जो इसमें फ्री जो फंक्शन है वही आप यूज करके काफ़ी अच्छी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए सेटिंग का पार्ट है, और दूसरा है जो भी आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करोगे वो पार्ट है, और यहाँ पर आप जो भी जैसे स्क्रीनशॉट लोगे इसकी सहायता से, इस ऐप की सहायता से, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो सिंपल से बात करें सबसे पहले सेटिंग का, तो सेटिंग में आपको जाने के बाद ये पूरा आपका सेटिंग खुल जाएगा, जिसको आज हम पूरा सही तरीके से समझाने वाले हैं और किस सेटिंग पर आपको स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यूज मैजिक बटन, ये काफ़ी अच्छा एक फंक्शन है इस ऐप का, जो कि इसको और ऐप के तुलना में काफ़ी अच्छा बनाता है। जब आप इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा लिख कर आ गया, सिंगल टैप ऑन टॉप राइट एरिया ऑफ स्क्रीन टू पॉज एंड रिज्यूम, डबल टैप टू स्टॉप, लॉन्ग टच टू ड्रा। तो जैसे कि यहाँ पर है कि यहाँ पर जब इस कोने पे आप सिंगल टैप करोगे तो वो पॉज हो जाएगा, फिर टैप करोगे तो रिज्यूम हो जाएगा, और डबल टैप करोगे तो वीडियो पूरा आपका सेव हो जाएगा, और टैप एंड होल्ड किए रहोगे तो ड्रा करने वाले ऑप्शन आ जाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर दबा के स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि काउंटडाउन शुरू हो रहा, तो अब जैसा कि अब स्क्रीन रिकॉर्ड होने लगा तो यहाँ पर देखिए सिंगल टैप करेंगे तो ये पॉज हो जाएगा, और डबल टैप करेंगे तो आ जाएगा। तो मैं आपको वो ड्रा करने वाला ऑप्शन है यहाँ टैप एंड होल्ड करके रखा हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया ड्रा करने वाला। यहाँ पर आप ड्रा पर जाकर सिंपल सा यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से देखिए साइज भी बढ़ा सकते हैं, कलर भी चूज कर सकते हैं बहुत सारे, यहाँ से देखिए अपने मनपसंद कलर चूज कर सकते हैं, यहाँ से चूज करके फिर से ड्रा कर सकते हैं, फिर यहाँ से ब्रूश से मिटा सकते हैं, और यहाँ से फिर इसको हटा भी सकते हैं। तो ये हट गया, तो ये मैजिक बटन का था। अब इसको हम बंद कर देते हैं जो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जैसे कि देखिए मैं यहाँ डबल टैप किया तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया। अब इसको आप सेव करना चाहे तो रहने दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए, और डिलीट करना चाहते तो यहाँ से ही आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये हुआ मैजिक बटन का, इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। तो दूसरा ऑप्शन है स्टॉप ऑप्शन, मतलब आप किस तरीके से अपने जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको स्टॉप करना चाहते हैं। जैसे कि ये स्टॉप बाय नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन ऊपर जाएंगे, नोटिफिकेशन पैनल से आप ऑफ कर सकते हो, या एक रेड ब्लिंक आएगा उसकी सहायता से, या
स्क्रीन जब ऑफ करेंगे मतलब इस बटन से आप स्क्रीन को ऑफ कर देंगे तब आपका ऑफ हो जाएगा रिकॉर्डिंग, या फिर फोन को सेक करोगे मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा आप इस तरीके से सेक करोगे तो आपका रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा, या आप टाइमर भी लगा सकते हो, यहाँ से टाइमर यूज कर सकते हो, जैसे इसको इनेबल करोगे तो यहाँ से टाइमर यूज कर सकते हो आप कितना सेकेंड, यहाँ से 600 के जगह पे 6000 भी रख सकते हो, या जितना आपका चाहिए या फिर जो भी रखना चाहिए आप रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको अनलिमिटेड पे ही रखता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, इससे अनलिमिटेड रहता है, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी वीडियो भी बनाता हूँ इसलिए इसको अनलिमिटेड ही हमेशा रखता हूँ। तो ये सारा सेटिंग आपको बता दिया कि इस तरीके से आप अपने वीडियो को पॉज या मतलब सेव कर सकते हो। आप पीछे चलिए तो ये आपका, अब वीडियो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करते हैं, जैसे ये रिजोल्यूशन है तो ये रिजोल्यूशन में आपको कौन सा रिजोल्यूशन रखना है, ये काफ़ी आपको मदद करती है एक अच्छे वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। ये नहीं होता है कि आपका सबसे ऊपर वाला आप रख लोगे तो आप सही से वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, ये आप पहले अपने मोबाइल का जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन है वो चेक कर लीजिए कि आप किस रेजोल्यूशन का फ़ोन है। तो अगर आपका रेजोल्यूशन ये है 2280x1080 तो जब ये आप यूज़ करोगे तो आपका पूरा फ्रेम भर कर आएगा, और 90x1080p करोगे अगर आपका स्क्रीन है इसका और आप इस पर अगर टैप करोगे तो आपके किनारे किनारे ब्लैक पट्टी आ जाएगी। तो आप जो मोबाइल का रेशियो है वही आप यूज़ करिए। अगर आप सिंपल सा कोई चूज करना चाहते हैं यूट्यूब के लिए तो ये दूसरे नंबर पर जो है इसको आप चूज कर सकते हैं, या कस्टम पर भी जा सकते हैं, वहाँ से आप कस्टम पे जाने के बाद यहाँ 16:9:4:3 या यहाँ आप चेंज कर सकते हो यहाँ दोनों जगह, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो हमारे हिसाब से आपको अगर YouTube वीडियो बनाते हो तो 920x1080p रखना चाहिए। और ये हुआ रेजोल्यूशन की बात। अगर फ्रेम रेट की बात करें तो फ्रेम रेट अगर YouTube वीडियो बनाते हैं तो आप 30fps पे रख सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी वीडियो बनकर आएगी। अगर आप कोई गेमिंग वेमिंग का जैसे कोई हाई फ्रेम रेट वाला वर्क कर रहे हो तो आप 60 पे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली यूट्यूब वीडियो बनाते हो तो 30fps पे रख सकते हैं, तो 30fps पे रख दीजिएगा और रेजोल्यूशन हो गया। और बिट रेट मेन बात होती है कि प्रोसेसिंग इसी पे होती है, तो अगर आप सबसे ऊपर रखेंगे 12 mbps तो सही होगा कि पूरा वीडियो आपका 12 mbps के बिट रेट पर काम करेगा, लेकिन अगर आप ऑटो पे रखेंगे तो और अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि वीडियो में कहीं कहीं ज़्यादा बिट रेट की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं कहीं कम बिट रेट की ज़रूरत होती है। तो ऑटो पे जब रखोगे तो मोबाइल अपने आप ही समझ जाएगा कि हमें कहाँ कितना बिट रेट लेना है और कितना कहाँ कम बिट रेट लेना है, क्योंकि कहीं इमेज आता है तो वहाँ बिट रेट की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं गेम जैसा एनिमेशन आता है वहाँ बिट रेट ज़्यादा की आवश्यकता होती है। तो आप ऑटो पे जब करके लोगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा बिट रेट के मामले में, और फाइल साइज भी कंट्रोल में रहेगा। और यहाँ ओरिएंटेशन की बात करें मतलब किस ओरिएंटेशन में आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा, अगर ऑटो में रखेंगे तो आप अपने आप चेंज हो जाएगा, अगर आप ऐसे रिकॉर्डिंग करें तो ऐसे रहेगा, आप ऐसे रिकॉर्डिंग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा अपने आप, अगर आप हमेशा लैंडस्केप में रखना चाहते इस तरीके से तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग होगी, आप पोर्ट्रेट जैसे टिकटॉक वाली वीडियो होती है उस तरीके से रखना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट कर लीजिए। तो हम हमेशा पोर्ट्रेट रखते हैं क्योंकि अगर लैंडस्केप में वीडियो बनाते हो तो आप पोर्ट्रेट ही रख कर उसको दिखाते हो अपने वीडियो में, तो आप पोर्ट्रेट रखिए, पोर्ट्रेट ही बनेगा और अच्छा लगेगा मोबाइल के तरीके। और अगर नीचे ये टाइम लैप्स की बात करते हैं, यहाँ से आप इसके स्पीड को घटा बढ़ा सकते हो, टाइम लैप्स वीडियो बना सकते हो, जैसा कि देख सकते हैं ऊपर जाएंगे तो यहाँ से स्पीड बढ़ेगी, यहाँ से घटेगी, तो यहाँ से स्पीड कर सकते हैं अपने वीडियो को। और यहाँ देखिए ऑडियो का ऑप्शन है, रिकॉर्ड ऑडियो, अगर आप साथ में रिकॉर्ड ऑडियो भी करना चाहते हो तो इसको आप इनेबल कर दीजिए, जिससे साथ में आपका जो भी आप बोलोगे वो भी आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये बात करें टेक्स्ट एंड लोगो, तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप एक ब्रांड मतलब बनाना चाहते हैं, एक कोई टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, जैसे कि वहाँ से शो टेक्स्ट पर ऑप्शन पे जैसे आप टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर AZ स्क्रीन रिकॉर्डर आ गया। यहाँ पर आप अपने चैनल का नाम भी लगा सकते हो, उसका कलर बैकग्राउंड सब यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसका साइज क्या होना चाहिए सारी चीज़ें यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो कोई एक लोगो को लेके। तो मैं इसको ऐप ऑफ कर देता हूँ, अगर आपको यूज करना होगा तो आप सिंपल से आकर इसको यूज भी कर सकते हो काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के साथ। और यहाँ बात करें जैसे कि ये नीचे शो कैमरा, तो सो कैमरा पर जैसे आप टाइप करोगे तो आपका कैमरा ये अलाउ मांगेगा, तो जब आप अलाउ कर दोगे तो आपका ये कैमरा आ जाएगा, देखिए सिंपल सा हम दिखने लगे हैं। यहाँ से आप इस पर टाइप करोगे तो इसके भी सेटिंग बहुत सारे हैं कि आप ये गोल जैसे कैमरा दिख रहा है आप इसको सर्कल में लगाना चाहते हो मतलब चौकोर तो चौले में भी दिखने लगेगा, और इसके भी बिट रेट बढ़ा घटा सकते हो इस तरीके से, काफ़ी सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हो, ब्राइटनेस ओपेसिटी और कंट्रास्ट ये सब सारी चीज़ें यहाँ से कैमरे का भी कर सकते हो। और सिंपल सा इस पर टैप करके यहाँ पर ये इधर उधर भी घसका सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो। अगर इसको काटना है तो इस पर टैप करके इस काट दीजिए तो आपका कैमरा चला जाएगा, मतलब आप अगर
ऑनलाइन आ रहे हो या फिर वीडियो जैसे बना रहे हो तो आप चाहते हो कि हमारा कैमरा भी साथ में आए, तो आप इस ऑप्शन को यूज करके काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। और नीचे बात करें टाइम रिकॉर्डिंग, जैसे शो रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन, जैसे आप वीडियो बना रहे हो आपको ये भी देखना है कि हम कितने मिनट का वीडियो बना रहे हैं वो दिखता रहे, तो यहाँ भी देखिए इसको ऑन करने के बाद एक ऑप्शन आ गया, यहाँ से आप कहाँ वो टाइम जो है वो चले वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेफ्ट टॉप में या राइट टॉप में या राइट बॉटम में, इस तरीके से मतलब आप कहाँ वो टाइमर लगा सकते हो वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है काउंट डाउन बिफोर स्टार्ट, मतलब आप जैसे ही आप स्टार्ट करोगे स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए तो 3 सेकेंड का काउंट डाउन शुरू होगा, जिससे कि आपको आसानी होती है कि वीडियो को शुरू करने में। तो जैसे इसको ऑफ भी कर सकते हो, इसको ऑन करके काउंट डाउन का सेकेंड भी चेंज कर सकते हो, या 3 की जगह पे 5, 50 जो भी करना है, 50 तो कोई नहीं करता है लेकिन आप 5, 6 कर सकते हैं, यहाँ से ओके कर दीजिए। जैसे कि आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो काउंट डाउन शुरू होगा 5 सेकेंड के फिर बाद तुरंत शुरू होने लगेगा। यहाँ पर देखिए ये भी प्रीमियम वर्जन है, मतलब वही था जो ऊपर डायमंड का मैंने यहाँ पर ये बटन बताया था रिमूव ऐड, मतलब इस पर जब ऐसे टाइप करने लगोगे तो रिमूव ऐड पर करोगे तो आपको प्रीमियम वर्जन के ऊपर ले चला जाएगा, तो इससे कोई आपको लेना देना नहीं है। और नीचे बात करें देखिए फिक्स ग्रीन स्क्रीन, तो यहाँ पर लिखा है ओनली इनेबल ऑप्शन इफ़ यू आर फेसिंग ग्रीन स्क्रीन प्रॉब्लम, अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय कोई ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको सिंपल सा ऑन कर दोगे तो वो सभी प्रॉब्लम ऑफ हो जाएगा, तो इसको आप हमेशा ऑफ ही रखिए क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आपको ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा स्क्रीन को रिकॉर्ड करने में, लेकिन अगर आपको दिखता है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। और यहाँ जैसे कि मैंने ये बताया था ये बबल इसका कि बाद में बताऊंगा, तो वो उसका ऑप्शन ये आ गया कि कंट्रोल टाइप, ये जो बबल है आप किस तरीके से रखना चाहें, मतलब गोल बबल रखना चाहते हो या फिर बार रखना चाहते हो इस तरीके से लाइन में, तो आप किस तरीके से यहाँ पर रखना चाहते हो, तो बबल ही अच्छा लगता है इस तरीके से गोल में, इसको भी हम घसका सकते हैं इधर उधर रख सकते हैं, इसको हटाना है तो यहाँ पर ला कर छोड़ सकते हो तो वो चला जाएगा, तो यहाँ बबल पे रखने से काफ़ी अच्छा रहता है। और बबल पे जाने के बाद इस बबल में क्या क्या आपको दिखाना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें में कोई 5 चीज़ें रख सकते हो, जैसे देखिए मैं 6 को कर दिया ऑन तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया नोट में यू शुड सिलेक्ट 4, 5 में से मतलब 4 यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो 4, या तो मैं एक हटा दिया मान चो गैलरी को हटा के ये एडिटर को हटा दिया जो पहले था वैसे ही कर दिया फिर ओके कर दिया, तो मतलब यहाँ देखिए 5 आ गया, तो 5 यहाँ पर सिंपल से यूज कर सकते हो। और यहाँ देखिए नीचे है कीप नोटिफिकेशन ऑन एग्जिट, तो ये सारे जो पॉपअप आते हैं आपके सामने ये जो दोनों है ना ये दोनों को आप ऑन करके हमेशा रखिएगा, जिससे कि पॉपअप आपको हमेशा नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ख़त्म होती है तो एक पॉपअप आ जाता है कि आपका ये रहा वीडियो आप लीजिए, तो आप ये सब कर दोगे तो आपका सिंपल सा सेव हो जाएगा, कोई भी पॉपअप नहीं आएगा बीच में, तो आप इन दोनों को ऑन करके रखिएगा। और सबसे नीचे वाली बात करें तो यहाँ पर देखिए आउटपुट डायरेक्शन ये क्या है, तो यहाँ से आप सिंपल सा सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका मेमोरी कार्ड होता तो यहाँ शो कर जाता कि मेमोरी कार्ड में आप सेव करना चाहते हैं या इंटरनल में, तो आप अभी हमारा फ़ोन में इंटरनल ही है तो कोई शो नहीं कर रहा, तो आप सिंपल सा यहाँ से मेमोरी कार्ड पर भी शो करा सकते हो। तो जैसा कि आप लोग ने पूरा सेटिंग देख लिया तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम वहाँ आपको जवाब देते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा क्योंकि इसी तरीके के वीडियो जब मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।